नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग की प्रतीक हैं। ये 9 ट्रेनें उदयपुर से जयपुर, तिरुनेलवेली से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम, राउरकेला से पुरी, रांची से हावड़ा और जामनगर से अहमदाबाद के बीच संचालित होंगी। इन 9 वंदे भारत ट्रेनों में पहले की तुलना में अधिक आरामदायक सीटें, बेहतर एस्थेटिक्स, बेहतर लाइटिंग, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट का बेहतर प्लेसमेंट, साथ ही कई अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। ये वंदे भारत ट्रेनें और बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों को तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएंगी। 11 राज्यों में पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। इन ट्रेनों से देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों के बारे में जानने, वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। वंदे भारत ट्रेनें जन सामान्य के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हैं और अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्री इन अत्याधुनिक ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत गढ़ने में अहम योगदान दे रही हैं। जय हिंद। और अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल श्री, अलग अलग राज्यों में मौजूद मुख्यमंत्री साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य, राज्यों के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे परिवारजनों, देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है, यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नई उमंग का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है
कि वंदे भारत का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इससे अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। ये ट्रेन उन लोगों की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है जो दूसरे शहर में कुछ घंटों का काम खत्म करके उसी उड़ने कुड़न चाहिए तेरे को लेसन न्यूज़ बिल्ले का ना क्लिक पढ़ने का।